हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ कॉल्ड द प्रहान राव। और होप आप सब लोग अपने लाइफ में बहुत इंजॉय कर रहे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो चलिए आज का अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। मैं नमकीन दलिया बनाने जा रही हूँ, तो उसके लिए मैंने 4-5 हरी मिर्ची कट कर लिए, एक बड़ा साइज़ का मैंने अनियन कट कर लिया और एक देसी टमाटर कट कर लिया। ऑलरेडी मैंने वॉश करके इनको कट कर लिया था और एक बड़ा सा बाउल मैंने पानी का ले लिया। तो ये कुकर में मैंने एक चम्मच के तकरीबन देसी घी डाल दिया, एक चम्मच ही डाला, एक चम्मच से ज़्यादा नहीं डाला। तो ये जैसे देसी गरम घी गरम हो गया, तो अब मैंने ज़ीरा डाल दिया। तो जैसे ही जीरे की अच्छी वाली भुनने वाली जो खुशबू आनी स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद मैंने क्या किया, इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दी। तो ये मैंने 4 से 5 जो हरी मिर्ची कट करी थी, बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ की कट करी थी, बहुत टेस्टी लगती है खाने में। और तो ये जब थोड़ी सी भुन जाएगी तो इनकी अच्छे से इनका जो फ्लेवर है वो घी एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उसके बाद फिर मैंने इसमें कटे हुए प्याज ऐड कर दिए, इसको भी अच्छे से भुनने देते हैं, ब्राउन होने देते हैं अच्छे से इसको, ताकि पकने दें, इसका जो जो भी फ्लेवर है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए अनियन का। तो इसको थोड़ा सा 1-2 मिनट तक धीमी आंच पे पकने देते हैं, उसके बाद फिर इसमें हम अपना मसाला ऐड करेंगे। तो मैंने इसके लिए मैंने कोई वो स्पैचुला यूज़ नहीं किया, आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं यूजली ऐसे ही करती हूँ। और ये मैंने 1 छोटा चम्मच नमक ऐड कर दिया, तो नमक आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। और छोटा सा चम्मच मैंने हल्दी का ऐड कर दिया, ये भी आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो। तो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ, और बाकी मैंने नमक और हल्दी ही ऐड की है, हरी लाल मिर्च पाउडर मैंने इसमें ऐड नहीं किया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ग्रीन चिली ऐड कर दी है और जो कि बहुत तेज है। तो ये मैंने जो कटा हुआ जो एक बड़े साइज का जो टमाटर था, ये देसी टमाटर लिया है, इसको भी मैंने ऐड कर दिया और अच्छे से इसको मिक्स कर देती हूँ मैं। ये ऐसे अच्छे से मसाला पूरा मिक्स हो जाएगा इसमें, ये देखिए। इसके अलावा मैंने तो ये मसाला, इस मसाले के नाम पे तो मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, मैंने खाली नमक और हल्दी ऐड की है। बाकी आप धनिया पाउडर भी ऐड कर सकते हैं और गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, अपने सांभर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें हमारा जो दलिया था वो भी ऐड कर दिया, और ये इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ ताकि दलिये में पूरा जो फ्लेवर है वो एब्जॉर्ब हो जाए। ये इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें पानी मैंने ऐड कर दिया। तो तकरीबन मेरे पास, मैं ये मान के चलिए मैंने 2.5 ग्लास के आसपास इसमें पानी ऐड किया। आप देख सकते हैं कि मैंने पानी कितना ऐड किया, और अब मैं इसको क्या करती हूँ, मैं इसको कुकर को बंद कर देती हूँ और धीमी आंच पे मैं इसको पकने दूँगी, क्योंकि ये जितनी धीमी आंच पे पकेगा उतना ही ये अच्छा बनेगा। तो मैंने 1 सीटी आई थी, तो तब तक मैंने इसको रखा और मैंने आपको वो दिखाया नहीं। बाकी मैंने इसका लिड ओपन करके ये पूरा पक चुका है। अब मैं तकरीबन ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 15 मिनट के आसपास का टाइम लगता है इसको अच्छे से पकने में धीमी आंच पे। फिर इसकी 1 सीटी आ जाती है, तो ये पापड़ के साथ और दही के साथ और नींबू के साथ इसको आप सर्व करिए, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी लगता है खाने में। आप एक बार ट्राई करिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको। वाकई में ये बहुत हेल्दी होता है, बहुत डिलीशियस बनता है और आपके टम्मी को फुल डे के लिए फुल रखे गए। मैंने देख के सोच लिया था मम्मी वो भी बनाएगी, नारियल की चटनी भी बनाएगी, लेकिन मम्मी ने बनाई नहीं।
तो ये देखिए, ये आपके यकीन मानिए बहुत हेल्दी है, और मतलब ना इसमें कुछ ज़्यादा मसाला है, और जो भी है वो ग्रीन वेजीज है इसमें। और आप यकीन मानिए, एक बार आप टेस्ट करके देखिए, आप बना के देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, और आपको ये फुल रखे पूरे दिन के लिए। तो अगर गाइस आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल दैट इज कॉल्ड प्रहान राव। थैंक यू, कीप वॉचिंग।